तो आपके प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से आपको थोड़ा हेल्थ के इश्यूज अपने लाइफ में फेस करने पड़ रहे होंगे। तो किस कारण से आपको हेल्थ के इश्यूज हैं वो हमने आपकी कुंडली देख के हमने एनालाइज कर लिया है। आपको सूर्य और मंगल के कॉम्बिनेशन की वजह से सबसे ज़्यादा लाइफ में हेल्थ के इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। तो इन ग्रहों का अगर आप रेमेडी कर लेते हैं आपके लाइफ में, तो इन ग्रहों के नेगेटिव एनर्जी से आपको आपके लाइफ में काफ़ी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और आपको आपके हेल्थ इश्यूज़ में इम्प्रूवमेंट फील होना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है अपनी लाइफ में, आपने एक तो जुपिटर प्लैनेट को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो जुपिटर आपके लिए एक फेवरेबल प्लैनेट है, वो आपको लाइफ में सपोर्ट करेगा। जुपिटर यानी कि बृहस्पति ज्ञान, नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअलिज्म, पॉजिटिव थिंकिंग, इन सब चीज़ों को हमारे लाइफ में डिनोट करते हैं। बृहस्पति जो हैं वो सारे ग्रहों के गुरु माने जाते हैं। तो बृहस्पति को अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ज्ञान में, नॉलेज में, रिस्पेक्ट में, कोई भी आप बिजनेस में हो, किसी भी आप प्रोफेशन में हो, बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में। तो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक अच्छी क्वालिटी का 100% ओरिजिनल नेचुरल वैदिक क्वालिटी का एक येलो सफ़ायर धारण करें, प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करा के, और अच्छे मुहूर्त के दिन आप सोने में इस स्टोन को धारण करिए। इसके अलावा मंगल आपकी लाइफ में एक नेगेटिव प्लैनेट है, मंगल की जितनी रेमेडीज आप कर सकते हैं आप अपने जीवन में करिए, किंतु सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी जो मंगल की है वो है कुछ अच्छे वैदिक पंडित से आप मंगल का शांति पाठ और यज्ञ जरूर कराएं। शांति पाठ और यज्ञ कराने के बाद इमीडिएटली आपको मंगल के नेगेटिव एनर्जी से अपने सबकॉन्शियस बॉडी में, आपके लाइफ में आपको रिलीफ महसूस होना शुरू हो जाएगा। हम लोग अपने इस सेंटर पे प्रॉपर वैदिक सेंटर हमारे पास है, प्रॉपर यज्ञशाला है हमारे पास, और प्रॉपर वास्तु के हिसाब से हमने यहाँ पर एक नवग्रह मंदिर की स्थापना करी है। हम लोग लाइव यहाँ पर शांति पाठ और यज्ञ कराते हैं, जो कि लाइव आप अपने मोबाइल के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए आप लाइव चैट में उस यज्ञ में पार्ट ले सकते हैं। अगर आप आना चाहें तो आप यहाँ आके अपना पाठ और यज्ञ करा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी आप अपना पाठ और यज्ञ करा सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ऑथेंटिक वैदिक ब्राह्मण पंडितों का टीम है, जिनसे आप अपना पाठ या शांति कराना चाहें तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा आपको पंडित जी बता रहे हैं एक मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए और 8 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। अब एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये सूर्य के लिए पहना जाता है। तो रुद्राक्ष, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारे लाइफ में जो नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्शन देता है हमें रुद्राक्ष। तो अगर आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक एक मुखी रुद्राक्ष, पावरफुल रुद्राक्ष अगर मिल सके तो उसकी प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा शुद्धिकरण करा के आप संडे के दिन एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करिए, और सूर्य को आप जल दे सकें, और सूर्य मंडलम स्तोत्र, मंडलम स्तोत्र सर, सूर्य मंडल स्तोत्र अगर आप सुन सकें या उसका आप चैंट कर सकें तो आपको सूर्य से बहुत रिलीफ आपकी ज़िंदगी में मिलेगा। और एक 8 मुखी रुद्राक्ष जो कि राहु ग्रह के लिए पहना जाता है वो भी आपको रिकमेंडेड है, यानी कि राहु भी आपके लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाला प्लैनेट है। तो राहु से अगर बचने के लिए आप एक अच्छी क्वालिटी का 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेंगे, और सूर्य से बचने के लिए, सूर्य की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेंगे और सूर्य को जल देना शुरू कर देंगे तो सूर्य से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल शांति पाठ और यज्ञ अगर आप करा सकें तो आपको बहुत ट्रमेंडसली मंगल के इल इफेक्ट से आपको हेल्थ वाइज और जीवन में अदर प्रॉस्पेक्ट्स में भी आपको इम्प्रूवमेंट फील होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मंगल शांति पाठ यज्ञ नहीं करा सकते हैं तो मंगल की छोटी मोटी रेमेडीज़ और हैं जो आप करना डेफिनेटली शुरू कर दें। आप मंगलवार के दिन फास्ट कर सकें तो फास्ट करें, अगर आप जा सकें तो हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी का आप जितना पाठ कर सकें, आप लाल चीज़ें वहाँ पे दान कर सकें, और मंगलवार के दिन अगर आप कर सकें तो मंगल के वैदिक मंत्रों का 1 माला या 2 माला आप करना स्टार्ट करते हैं। इससे भी हमको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मंगल के नेगेटिव एनर्जी से रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है।